अभी ये एस्ट्रोसेट साइट पे हमने एक कुंडली बनाई है, ठीक है। आप देख रहे हैं, हाँ ये एक जातिका की कुंडली है। अब इनके बारे में हमें प्रेडिक्ट करना है। आज समझ लो ये आपकी क्लास है, लेट्स प्रेडिक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट हर प्रोफेशन, हर लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। ओके, अभी इसमें लगन कौन सा है, क्या नजर आता है? लगन में नंबर क्या है? एक नंबर। हाँ, नंबर एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेष लगन, जिसके स्वामी कौन है? मंगल। मतलब मंगल लग्नेश कौन हो गए? मंगल। मंगल बैठे कहाँ है? मंगल 12th हाउस बारह में, में राइट। 12th हाउस ठीक है, सबसे पहले लग्नेश कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। ट्वेल्थ हाउस जब भी लग ये हाउस कौन सा हाउस होता है पहले ही बताओ। तन बल शरीर, शरीर। हाँ मतलब इस व्यक्ति का खुद का घर है। अब इस घर का मालिक कहाँ बैठ गया? अपने से वैभव में। बारह व्यय भाव में है, उसके तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? बल शरीर का व्यय होगा। यस, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, यस एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमें यह भी देखना पड़ता है, इसमें दो चीजें देखी जाती है। एक चीज देखी गई कि जहां बैठा है वो, वहां नंबर जो है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, और दूसरा देखा जाता है जो इसका लॉर्ड होता है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। अभी हम सिर्फ हेल्थ को देखेंगे। हेल्थ को देखते समय जो इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं, वो देखने के लिए इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे पहले उसका खुद का शरीर, जो व्यक्ति खुद है, ठीक है। उसके बाद उनका संबंध क्या इन ट्रिक हाउसेस या इनके लॉर्ड से बन रहा है, 6, 8, 12, एज सिंपल। और एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को देखते हुए, एंड दैट इज नथिंग बट दशा। मतलब ऑथोरिटिवनेस किसके पास है? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सी, अभी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, और देश का प्रधानमंत्री मायावती है। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस, राइट। तो जैसा मंत्री होगा या जैसा लीडर होगा वैसा ही बिहेवियर होगा। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी आएगी। जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। सिंपल लाइव एग्जांपल है, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि प्रधानता किसके पास है। किसी भी चार्ट को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने एसोसिएट पे अपने अपने कुंडली खोल ली, लगा लिया। अब आप देखोगे कि भाई ये लगन इसका एक नंबर है, मतलब इसका स्वामी कौन है? मंगल। वो बैठा 12th हाउस में। दूसरा आप क्या देखोगे बॉस? दशा किसकी चल रही है? नीचे आते आप देखोगे कि केतु की दशा थी, ठीक है। अभी इनकी दशा चल रही है किसकी? चंद्र की दशा, मून। मून की दशा 21-1 से स्टार्ट हुई है और अभी चल रही है, यस कब तक रहेगी? 21-30 तक, ठीक है, यस क्लियर। अब आप बोलोगे मून में अभी क्या चल रहा है? ये दशा है, दशा में अंतर दशा होता है, प्रत्यंतर दशा होता है, सूक्ष्म दशा होता है, प्राण दशा होता है, ठीक है। जो एक मतलब माइन्यूट लेवल पे अगर देखना हो तो अब इस समय इनका क्या चल रहा है? अभी आज का तारीख के डेट क्या है? इट इज नथिंग बट May 2023। तो ये कहाँ लाइक कर रहा है? समवेयर बिटवीन दिस एंड दिस। तो अभी इनकी मून की महादशा और जुपिटर की अंतर दशा चल रही है, ठीक है। तो हमें रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले लगन को देख लिया आपने, अब हम देखेंगे मून। मून मून के पास कौन सा घर होता है? कर्क राशि मून की होती है, राइट। राशियों में एक राशि चौथा कौन सी होती है? कर्क राशि। अब आप इस कुंडली में देखें 4 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ मतलब मून किसको बिलोंग करता है? मून कहीं ना कहीं 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, मून बैठा कहाँ पे है? 9th हाउस। नौवे तो मून आइडियली दो हाउसेस पे अपना इफेक्ट डालेगा। कौन कौन से हाउसेस पे? एक जिसको बैठा है वो, और जो उसका घर है वो जो उसकी लॉर्डशिप है, राज्य जहां पे उसकी लॉर्डशिप बैठ लॉर्डशिप। रही है। तो इस कुंडली में मून का इफेक्ट कौन कौन से हाउसेस से जनरेट होता है? 4th हाउस और 9th हाउस। तो सोर्स कौन बनेगा?
फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, जो भी चेंजेस लाइफ में आएंगे, ये भी क्लियर हो हाँ गया। क्योंकि जो मंत्री है हाँ इस कुंडली में, जो हाँ प्रधानमंत्री बना है इस समय, वो चंद्र है, और वह फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का कारक है। उसके पास ये दो डिपार्टमेंट है बेसिकली, यहीं से सब कुछ सोर्स यहीं से जनरेट करेगा वो। क्लियर हो गई बात। इसके हाँ बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं, 6, 8, 12 के लॉर्ड कहाँ बैठे। ठीक है, क्लियर। अभी यस अभी इस कुंडली में 6, 8, 12 कौन कौन है, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, क्योंकि ये सेम काल पुरुष जैसी कुंडली सेम है इनकी, राइट। नाउ लेट्स गो टू 6 नंबर। 6 नंबर इज नथिंग बट बुध, 8 नंबर इज बुध, नथिंग बट मंगल, और मंगल, 12 नंबर इज नथिंग बट जुपिटर। जुपिटर, सो वी हैव टू चेक बुध, मंगल और जुपिटर जुपिटर। अब देखते भाई साहब, 6 का लॉर्ड जो बुध कहाँ बैठा है, 10th हाउस में। यहाँ पर। यस। 8th का हाउस लॉर्ड का कहाँ बैठा है, 12th में। ठीक है, और 12th का लॉर्ड जो कि जुपिटर है वो कहाँ बैठा है, जुपिटर थर्ड, फॉर सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अब आप बोलोगे कि इनके लॉर्ड जहां बैठते हैं नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। इसमें ना कुछ नियम भी है, ये डैमेज करेंगे डेफिनेटली, दीज आर स्पॉयलर्स फॉर श्योर, दीज आर स्पॉयलर्स। ठीक है, लेकिन जो 12th हाउस का स्पॉइलिंग है उसको कम किसने किया आपको पता है, 8th हाउस ने। बोलो क्यों, मार्स के पास 2 हाउसेस है, कौन कौन से, यहाँ पे फर्स्ट एंड एट्थ। वो कैसे हुआ, क्योंकि मार्स की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, यू कैन चेक इट आउट। 1 नंबर मेष राशि मंगल, 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल। अब आप इस चार्ट को यस आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्स लग्नेश हो करके अपने से 12th गया, आप बोलेंगे कि नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे पल आप देखोगे कि वो 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रूल ये कहता है, जब भी त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक भाव मतलब कौन से, 6, 8, 12 का स्वामी किसी त्रिक भाव में बैठते हैं तो वो बेनिफिट करते हैं, स्ट्रगल देते हैं लेकिन बेनिफिट करते हैं। बेनिफिट क्यों करते हैं, क्योंकि वह उसके निगेटिविटी को दबाते हैं। दूसरी चीज, अगर लग्नेश, अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो वो हमें फायदा देते फायदा मैं नहीं बोलूंगा, बट वो निगेट मतलब वो नेगेटिविटी को कम करेंगे जहां बैठेंगे। ठीक है, यस ठीक है। दूसरी चीज, अगर लग्नेश के पास कोई नेगेटिव हाउसेस है, जैसे इस यहाँ पे लग्नेश के पास एक नेगेटिव हाउस है, ठीक है, वो अपनी नेगेटिविटी के इम्पैक्ट को कम कर देता है, और इनफैक्ट वो पॉजिटिव बिहेव करता है क्योंकि वो खुद होता है। अब इस चार्ट को आप देखेंगे, लग्नेश कौन है, मंगल है, ठीक है। मंगल, अष्टमेश कौन है, 8th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो भी मंगल है। 8th हाउस क्या है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल, क्या ये जातक स्पिरिचुअल है, हाँ अब वो बैठा कहाँ, 12th हाउस में, जो कि हाँ मेडिटेशन का घर भी है। क्या उसका हाँ झुकाव मेडिटेशन की तरफ है, यस ठीक है, दान की तरफ है, हाँ ठीक है। फॉर इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुंडली ने जस्टिफाई किया कि मैंने 8th हाउस के गुण भी अपनाए, मैंने 12th हाउस के भी गुण भी अपनाए, और क्योंकि वो 8th और 12th हाउस के गुण अपना रहा है कैंडिडेट, इसलिए उसको हेल्थ प्रॉब्लम कंपेयरिंगली कम हो गई। एल्स ये हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी, या तो उसे एडमिट भी होना पड़ता, यू कैन इमेजिन, रेगुलर एडमिट, यस हेल्थ प्रॉब्लम, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम यस जनरेटेड। ठीक ओके है, अब हम बात करते हैं बुध की। ये 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा का 10th हाउस में। ये क्या है, आपका कर्म क्षेत्र, आपका प्रोफेशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रोग विघ्न शत्रु का भाव का कारक कर्म में बैठ गया तो यहाँ पे नुकसान करेगा। नहीं बॉस, ये हाउस जो होता है ना, आपके प्रोफेशन का हाउस, ये भी माना जाता है। आपका जो प्रोफेशन, जब आप देखते हो, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या हाई हाई पोजीशन होता है, हाई रोल होता है, उसमें 6th हाउस का एक मेजर रोल है। तो अगर 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, दैट रिप्रेजेंट कि कैंडिडेट बहुत ही ऑथोरेटिव नेचर की है। अच्छा मतलब अगर उसके पास पावर दे दिया जाए तो सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल कर लेगी।
क्लियर हो गई बात? यस अब आप बोलोगे कि इसके जॉब के प्रॉस्पेक्ट क्या होंगे, मैं बेसिक रूल पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब 10th हाउस में कौन बैठा है? 6th हाउस का लॉर्ड, मतलब अ कैंडिडेट कैन गो टू हाई पोजीशन, डेफिनेटली अथॉरिटी नेचर आएगा, ठीक है, अच्छा नंबर वन। नंबर टू, धन भाव। देखो ये धन भाव है और ये प्रोफेशन के भाव माने जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम देखेंगे जो तीन भाव ये है, हम बोलते हैं चार तरह के ये होते हैं, ठीक है, अर्थ धर्म मोक्ष, ठीक है। तो ये अर्थ त्रिकोण माना जाता है, सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। हाउस अब सेकेंड हाउस में कौन बैठा है? वक्री होकर के जुपिटर बैठा है। कहाँ का लॉर्ड है वो? जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? बारह यस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको फाइनेंस कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं 12th हाउस आएगा, जो कि विदेश का भाव होगा, नंबर वन। नंबर टू, जुपिटर रिप्रेजेंट टीचिंग, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट योर स्किल्स, मैनेजेबल स्किल्स और वर्बल स्किल्स, ठीक है। और ये ट्राइन भी जनरेट हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आता है शी कुड बी गुड इन अ लीडरशिप रोल, ठीक है, ओके एंड दैट टू दैट लीडरशिप रोल शुड बी लिंक्ड समवेयर बिटवीन जुपिटर एंड मर्क्यूरी, ठीक है, वो उनको पैसा जनरेट करेगा। तीसरी चीज, एक कमाल की चीज मैं आपको यहाँ इस कुंडली में दिखाऊंगा, जुपिटर और वीनस का राशि एक्सचेंज है, क्योंकि ये दो नंबर किसका हाउस होता है? वीनस का। और 9 नंबर किसका होता है? जुपिटर का। बट ये हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ठीक है, और ये हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन जर्नी। तो अगर ये कैंडिडेट, ये व्यक्ति अगर लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन जर्नी करता है, ठीक है, और प्रोफेशन का संबंध इस प्रोफाइल में, मतलब इस त्रिकोण से अपनाता है, तो इट विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल गेन फॉर द कैंडिडेट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फॉरेन में अगर ट्रैवल करता है और मैनेजरियल जॉब करता है, लीडरशिप रिलेटेड जॉब करता है, यस, और जुपिटर का नेचर क्या है उसका, वो जगह मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी ना। जुपिटर बुध को हमने देख लिया, बट यहाँ पे एक नंबर असाइन है, 10 नंबर, आपने उसको नहीं देखा अभी तक। 10 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 नंबर मकर राशि, सैटन, शनि। वेयर इज सैटन सिटिंग? सैटन अपने से 12th में बैठ गया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का झुकाव धर्म कर्म की तरफ ज्यादा है, जिसके वजह से उसके प्रोफेशन की हानि हुई है। अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ, राइट? मतलब कर्म इनडायरेक्ट, कर्म के प्रति ज्यादा हाँ है, शी इज एथिकल, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर वो किसी कंपनी में भी, प्रोफेशन में भी होगी, तो शी विल बी लॉयल, क्योंकि बट एक रूल कहता है कि किसी भी घर का 12th हाउस उसको निगेट करता है। लाइक फर्स्ट का 12th हाउस किसको निगेट किया? हेल्थ को निगेट किया, राइट? ऐसे ही प्रोफेशन का 12th हाउस कौन सा हुआ? 9th हाउस, राइट? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 11 12। तो सैटर्न कहाँ आके बैठा? अपने से 12th में आ गया। हाँ अब मैं सैटर्न को देख तो अब मैं जब सैटर्न को देखता हूं, तो सैटर्न के साथ में कौन कौन है? सैटर्न के साथ में वीनस है, मून है और सन है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? अब प्रॉब्लम यहीं स्टार्ट होती है। सैटर्न के साथ में मून है, सैटर्न प्लस मून क्या बनाता है? विष योग। सैटर्न के साथ, फिर सन के साथ मून है, सन प्लस मून क्या बनाता है? अमावस्या दोष। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना होगा पहले। लेकिन एक अच्छी चीज है कि इसमें मून हो या फिर सन हो या सैटर्न हो, ये तीनों किसी भी ट्रिक हाउसेस को बिलोंग नहीं करते। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। 6, 8, 12 में से किसी भी ट्रिक हाउसेस को बिलोंग नहीं करते। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो ये युति किसकी किसकी बनी?
एक रूल के हिसाब से चार और पांच की बनी सन और मून। सन और मून केंद्र त्रिकोण राज्योग भी बनाता है वैसे, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो, कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, हाँ यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताना, इसके फादर के साथ रिलेशन कैसे है? फादर के साथ रिलेशन अच्छे थे, एक्सपायर हो गए वो 10th में की मतलब दूरी बन गई ना इनडायरेक्टली, रिलेशन का मतलब हो गया फादर से दूरी हुई। या तो देखो, अगर इसके रिलेशन फादर से अच्छे नहीं होते तो शायद फादर और दिन तक सरवाइव करते। अच्छा। ये जो युति कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखा रहा है मुझे, क्योंकि केतु जो है वो सिंह में राशियां बैठा है और उसकी युतियां शनि के साथ है। सूर्य और शनि में कभी पटती नहीं, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया ये बात, ठीक है। और केतु ट्राइन में भी है, तो ये कहीं ना कहीं इसने रिप्रेजेंट अपना काम कर दिया, इसने पिता को दूर कर दिया। दूरी दो तरह से होती है, आपस में ना पटे वो भी दूरी हुई, आप छोड़ के फॉरेन लैंड चले जाओ वो भी दूरी हो गई, ठीक है। और उनकी डेथ हो जाए वो भी दूरी हो गई। हस्बैंड वाइफ में जब मैं सेपरेशन होता हूँ तो डाइवोर्स भी दूरी हो गई। और कई बार एक सॉल्यूशन दिया जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन, कि आप कुछ दिनों के लिए पत्नी से दूर हो जाओ, पत्नी को मायके भेज दो, वो भी तो सेपरेशन ही हुआ ना। यस एक सेपरेशन होता है जो परमानेंट हो जाता है, एक सेपरेशन होता है जो टेम्पररी होता है। बट अगर टेम्पररी सेपरेशन से परमानेंट सॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है तो डू इट। यस और ये चार्ट पे डिपेंड करता है। अभी हम नौमास में नहीं जा रहे, क्योंकि देखिए आप सिर्फ लग्न चार्ट में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप खुद देखो, यस राइट। यस लॉजिकली सोचो तो वेरी इजी, राइट। अब मैंने कल आपको यस एक रूल बताया था कि कभी भी कुंडली में चार चीजों को देखो, चार हाउसेस को देखो बेसिकली। ये मैंने दो मेन कंसेप्ट को फॉलो करो। पहला कंसेप्ट है कि दशा किसकी चल रही है, ठीक है, दशा के लॉर्डशिप कौन सी और बैठा कहाँ है, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू मैंने क्या कहा था कि थ्री हाउसेस को देखो, 6, 8, 12 को देखो और उनकी पोजीशन क्या है उनको स्टडी करो। क्लियर हो गई बात? तो इस कुंडली में 6, 8, 12 डैमेजिंग मुझे उतने नहीं लग रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गए। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अब दूसरी तरफ में जब इस कुंडली को देखता हूं तब हम क्या देखेंगे, चलो 6, 8, 12 को छोड़ दो, अब हम देखेंगे कारक तत्वों पर जाते हैं। कारक तत्व में हम केवल प्लैनेट को देखते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव प्लैनेट कौन से होते हैं, केतु होता है, राहु होता है, सैटर्न होता है, सैटर्न भी नेगेटिव नहीं मानते क्योंकि प्रोफेशन का कारक है, मार्स होता है, मून होता है, ये मैं नाड़ी के हिसाब से बता रहा। अब मंगल कहाँ बैठा है, 12th 12th हाउस में। मंगल के पीछे कौन है, राहु। राहु क्या रिप्रेजेंट करता है मंगल, मतलब इस कन्या का पति, ठीक है, और उसके पीछे कौन है, राहु। क्या रिप्रेजेंट करता है, राहु बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम, राहु की प्रॉब्लम है, मतलब क्या होगा, पति के ऊपर कहीं ना कहीं पितरों की बाधा आएगी। क्या ये सही है, हाँ, पितृबाधा सही है। क्योंकि मंगल राहु को क्रॉस करके जा चुका है, ये अच्छी चीज है। अगर ये राहु मंगल साथ में आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठीक नहीं माना जाता, ठीक है, जस्टिफाइड। अब हम बात करते हैं उसके कर्म की, सैटर्न। सैटर्न के आगे पीछे कौन है, सैटर्न को सीधा टक्कर दे रहा है केतु। सैटर्न की डिग्री 12, केतु की डिग्री 13। ये केतु यहां पे स्पॉइलर का काम कर रहा है। केतु क्या कर रहा है, ब्रेक दे रहा है, ब्रेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, केतु का काम क्या है, ब्रेक्स करेक्ट केतु का काम क्या है, ब्रेक्स। वो ब्रेक लगाएगा, जैसे ब्रेक ही इनकी लगाना गाड़ी सही चलेगी वो ब्रेक लगाएगा, जैसे ही गाड़ी चलेगी ब्रेक लगाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट केतु को यूटिलाइज करो। हाँ यू आर गेटिंग अ पॉइंट। केतु का मंत्र जाप करो। नहीं, यूटिलाइज कहा मैंने, मैंने उपाय नहीं कहा। अच्छा ओके केतु का यूटिलाइजेशन क्या होता है, केतु के कारक तत्वों को अपनाओ। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, केतु इज, मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है केतु इज द मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट इन द वर्ल्ड,
बट मोस्ट डेंजरस, जितने भूकंप सुनामी जितने आपदा होती है वो केतु ही करता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेकिन भगवान से मिलन भी यही कराता है, आध्यात्म की पराकाष्ठा यही देता है, मोक्ष की प्राप्ति यही देता है। और जब केतु और शनि ट्राइन में आ जाए ना, बस ये जुपिटर यहाँ की बजाय यहाँ कहीं होता, मैं कसम से बताता हूँ, इस कुंडली को मैं बोलता ये लड़की सन्यासी है, रियलिटी बता रहा हूँ, विवाह संपन्न संभव ही नहीं होता। अब सैटर्न केतु को यूज करना मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर ये व्यक्ति डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे लाभ होगा, अच्छा स्पिरिचुअल रिचुअल्स। लेकिन सैटर्न के साथ वीनस बैठा हुआ है, वीनस किसका रिप्रेजेंटेशन है अपने कर्म में? वीनस रिप्रेजेंट करता है मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, मनी मैटर्स। वीनस रिप्रेजेंट करता है जॉयस एस्पेक्ट, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सनल मैरिटल लाइफ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि जो है कर्म है, इट्स ओनली प्रोफेशन, और उसको वीनस ने भी लिंक कर दिया है, ठीक है। लेकिन वीनस के पीछे मून भी आ गया है, मून इज अगेंस्ट पॉइंट, क्योंकि हम जब नाड़ी की बात करते हैं बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में, हम मून को स्पॉइलर का काम मानते हैं, ठीक है। ये बीच में ब्रेक, ये ब्रेक क्या लगाता है, ये मन को भटकाता है बेसिकली। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र और शनि साथ में आ जाए तो उसे विषयोग कहते हैं। अच्छा, आपको पता है साढ़े साती कब होती है? ट्रांजिट में, कब? ट्रांजिट में जब शनि मून के एक भाव पहले आ जाता है नेटल मून के, तो साढ़े साती स्टार्ट होती है, और मून के ऊपर आता है तो साढ़े साती की चरण सीमा होती है, और जब मून से क्रॉस करके आगे जाता है तो वो उसका फॉलिंग एज होता है। टोटल ढाई 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 ऐसे 7.5 साल होते हैं। लेकिन किसी की कुंडली में अगर मून और शनि साथ में ही आ जाए तो इसे आप क्या कहोगे? मतलब जन्म से उसके पास उसका वो योग बन गया है, जो 7.5 साथी जिसे बोलो या विष योग बोलो। अब मून और शनि को नेगेटिव क्यों माना जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ इसके पीछे रीजन, भटकता नहीं मुझे टेक्निकल रीजन दो, टेक्निकल। कल मैंने आपको कुछ दिखाया था, एक मैंने सेंटर पे अर्थ को रख के कुछ दिखाया था, उस एंगल से बोलो। वो काफी देर तक ट्रेवल करती है। मून इज अ फास्टेस्ट प्लैनेट एंड सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। लोएस्ट मून प्लैनेट, ट्वेंटी सेवन तो डेज वो में ट्वेंटी सेवन डेज में एक सर्कल लगाता है, और सैटर्न 30 ईयर्स में लगाता है। अब जब मून और सैटर्न साथ में आ गए, एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, तो क्या होगा? एक पहिया स्लो हो जाए एक पहिया फास्ट हो जाए, क्या होगा बताओ? एक्सीडेंट हो गया। यस। अब यहाँ पे इस चार्ट में मैं देखता हूँ सैटर्न के साथ, यहाँ पे मून पीछे है और सैटर्न के ट्राइन में केतु है, केतु क्या ब्रेक लगा रहा है, मून क्या दोनों पहियों की स्पीड को डिसमेंटल कर रहा है। फर्स्ट, हाँ फास्ट लो, फास्ट लो, फास्ट लो, मतलब मन को फर्स्ट भटका लेटर। रहा है, मन को भटका रहा है, ये डिटैच कर रहा है, केतु इज डिटैचमेंट, मन सो पे इसकी वजह से ये करियर में भटकाओ, ब्रेक्स होता ये है। हाँ भटकाओ, ठीक है। हाँ कई बार ब्रेक्स कैंडिडेट ने, इस बच्ची ने, इस कन्या ने खुद ने अपने वजह से लिया है, मैं ये भी बताता हूँ आपको, हाँ यस यस, मैं आपको बता रहा हूं, उसका खुद का डिसीजन था, खुद मन का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। डिसीजन हाँ, कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, बट है। कहीं हाँ ना कहीं वो भटका हुआ है, करेक्ट, करेक्ट? करेक्ट, 100% करेक्ट। क्योंकि अब पिता नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूर्य ने अपना काम कर दिया, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो गए। देखिए अभी मैं इस कुंडली में, आप देखो मैंने कहा था आपको कि एक कुंडली देखने को 2 से 3 घंटे मिनिमम चाहिए, अभी तो केवल हम लग्न चार्ट देख रहे हैं, हमने बेसिक नक्षत्र कृष्ण पद्धति और कुछ देखा ही नहीं, अभी हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अभी तो हमने नीच उच्च राशि कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स, ठीक है। अब मैं जब बेसिक की बात करूं तो मैंने क्या कहा,
अगर प्रोफेशन चाहिए कैंडिडेट को, बच्चे को प्रोफेशन चाहिए, हाँ तो एक ऑप्शन मैंने क्या बताया कि जो संबंध बन रहे वो कहीं ना कहीं बाहर दिखाते हैं, जुपिटर और बुध की इंपॉर्टेंस है, जो कि टीचिंग जॉब प्रोफाइल, जो कि टीचिंग या मैनेजेरियल अथॉरिटी, जो कि आपको टीम को हैंंडल करना, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दूसरी ओके तरफ, जब मैं सैटर्न के कारक तत्व को अपनाता हूं, तो मैं देखता हूँ सैटर्न के साथ चंद्र है, जो कि साइकोलॉजी, जैसे किसी को शी कुड बी अ वेरी गुड हीलर, मतलब अगर आप किसी को कन्विंस करना हो ना, तो शी कुड बी वेरी गुड इन कन्विंसिंग, हाँ मतलब आप मुझे बताओ ओके इसका क्या इनका नेचर है कि वो आपसे बात करेगी और वो आपको किसी चीज में कन्विंस कर देगी, इज इट सो? हाँ प्लीजेंट लगता है, बात करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगता है, मतलब उनसे नहीं, कुछ अच्छा नहीं जब लगता है। जब सपोज कोई व्यक्ति आया जो कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, हाँ और हाँ वो इस तो कन्या से मिलता है, ये कन्या उसे बात करेगी, उसे कन्विंस कर देगी, बॉस व्हाई यू डिस्टर्बिंग, दिस इज नॉट थिंग, क्योंकि मून जो है आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, मून साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। केतु को कहीं ना कहीं आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इन तीनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि कैंडिडेट जब इसको ये काम रेगुलर करना चाहिए, काउंसलिंग जिसे कहते हैं, अगर इसने अपना प्रोफेशन चुना होता कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट का, मैं कहता हूं कोई करियर में ब्रेक नहीं लगता, कुछ नहीं होता, शी कुड हैव बीन अ डैम सक्सेसफुल पर्सन। बोलो अच्छा क्यों, मून इज योर साइकोलॉजी, ठीक है, किसी को हेल्प करना, वो केतु इन्वॉल्व हो गया, सैटर्न कर्म कर रही है, ठीक है, और डिस्कस करना, बोलने का काम कौन करता है, बोलने का कारक प्लैनेट कौन है, बुध, ठीक है। जुपिटर बैठ गया उधर ऊपर से, अगर मैं ट्राइन की बात करूं यहाँ पे, जुपिटर क्या करता है, बोलने के घर में बैठा है, जो कि टीचिंग है, एज अ टीचर है, जुपिटर एज अ टीचर, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रोफेशन इतना सक्सेसफुल होता कि शी कुड हैव बीन अ रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री और इवन ऑफ द वर्ल्ड, ये पॉसिबिलिटीज को। अब मुझे बताओ, इसी समय में कई बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक होगा जिसने ये प्रोफेशन चुना होगा, यू आर गेटिंग अ पॉइंट, वो सक्सेसफुल हो गया, और उसने भी साइकोलॉजिस्ट चुन करके अपना संबंध कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से रखा होगा, डबल सक्सेसफुल हो गया होगा, यू आर हाँ गेटिंग माई पॉइंट, यस मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपके सामने, चार्ट सब कुछ बताएगा, किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कोई पूछता है मैं सक्सेसफुल अभी होऊंगा नहीं होऊंगा, बॉस आप क्या फॉलो कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं एक आपको फीडबैक देता हूँ। जब भी एजुकेशन कंप्लीट हुआ तभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है हमारा उसमें जॉब चालू किया, अब मुझे जॉब बताओ, बहुत इन्होंने अच्छा नहीं, इन्होंने प्रोफेशन था। किसका लिया, राहु का, हाँ आईटी इज अ राहु प्रोफेशन का। ऑफ राहु, ठीक है। हाँ उस समय दशा किसकी चल रही थी, 2008 से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले, उस समय दशा चल रही थी सूर्य की, ठीक है, 8 साल नहीं 8-10 साल पहले। हाँ हाँ 10 साल पहले, उस समय दशा चल रही थी सूर्य की। तो वो उस समय हाँ ये हुआ कि सूर्य के पास लॉर्डशिप कौन सी है, फिफ्थ हाउस की, राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही थी, हाँ यू आर गेटिंग अ पॉइंट, राहु की उस पर दृष्टि पड़ रही थी, और सूर्य की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से पड़ रही है, थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं आईटी के तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स ये सब, कम्युनिकेशन, उस हिसाब से उसने वो तो ले लिया, ठीक है। कई बार इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति काम कुछ करता है और प्रोफेशन कुछ करता है, ये अक्सर ऑब्जर्व किया गया, मतलब एजुकेशन कुछ और है एंड प्रोफेशन इज समथिंग एल्स, दिस हैज बीन यूजुअली ऑब्जर्व, गेटिंग माय पॉइंट, उसका बहुत अच्छे से जॉब चल रहा था बट शादी के बाद ब्रेक ओके, लग गया। जस्ट मिनट, कोई आया, जस्ट मिनट।
यस पंकज, अब आप बताओ, शादी के बाद ब्रेक हाँ लग गया, सामने सामने देखो, यस शादी का हाँ घर कौन सा होता है? मैरिज का घर कौन सा सात होता है? सेवेंथ हाउस। हाउस सेवेंथ यस हाउस इज फॉर मैरिज, देख लो, यस राइट right? पति यस पत्नी, ठीक है, लाइफ पार्टनर, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में यस नंबर कौन सा लिखा है? सात नंबर। हाँ सात नंबर की का मालिक कौन है? शुक्र। कहाँ बैठा है शुक्र? कहाँ बैठा है? नौ शादी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड ना अपने भाग्य में बैठ गया, अपने से थर्ड में भाग्य में बैठ गया, ये तो उसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका भाग्य उदय हुआ। भाग्य अच्छा तो उदय हुआ ना, शी गॉट अ गुड हस्बैंड, हाँ आप आपको ग्रोथ मिली, सब चीजें, भाग्य उदय हुआ। लेकिन वो बैठा किसके साथ, ये समझो। वीनस बैठा मून, मून सूर्य और सैटर्न के साथ। सैटर्न रिप्रेजेंट के करता है साथ स्पॉट, यस ठीक है, ठीक है, तो यस कहीं ना कहीं वो स्पॉइलिंग दिख रही है यहां पे भी। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? यस हाँ, और ये जो मूड स्विंग है, वो मूड स्विंग मून कर रहा है, ठीक है। ब्रेक्स कौन लगा रहा है? केतु लगा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब केतु क्या हो सकता, यूटिलाइज करने केतु को कहाँ यूटिलाइज केतु को किया? यूटिलाइज करने के लिए आप केतु, बोले करने से फायदा होगा। हाँ, अभी देखो, केतु इस आध्यात्म, मैं बोल रहा हूँ आसपास में कोई मंदिर है, डेली जाके वहां पूजा करे, अच्छा ठीक है, एज सिंपल। दुर्गा मंदिर है क्या आसपास में कोई? देवी का मंदिर, दुर्गा मंदिर, बोलो डेली डेली जाओ, पूजा करो, आरती होगा, पूजा होगा, करो मंत्र जाप करो, आ जाओ डेली। ये केतु का यूटिलाइजेशन हुआ। एस्ट्रोलॉजी सीख ले, ये केतु का और लोगों को सर्विस दे, ये केतु का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। इनफैक्ट मैं एस्ट्रोलॉजी को बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी सीखे, लोगों को फ्री सर्विस दे, ठीक है, काउंसलिंग फ्री सर्विस दे, बुद्ध यूटिलाइज हो जाएगा, ये भी यूटिलाइज हो गई। अभी दूसरी चीज है कि अंतरदशा में जुपिटर आया है, ठीक है, मून से जुपिटर अपने से सिक्स बैठा है, 1 2 3 4 5 6। सिक्स हाउस, कभी भी किसी का भी सिक्स हाउस क्या बोलता है कि मैं क्या हूं, मैं हूं रोग ऋण शत्रु, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भाव माना जाता है। तो देव इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव दशा सिस्टम। हम उसमें क्या करते हैं, जो मतलब जिसकी दशा होती है उसको हम लोग सेंटर में लेते हैं, उसको लगन बनाते हैं और उससे काउंट करते हैं। तो अभी चंद्र से जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है? 1 2 3 4 5 6। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्स हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्विस को। अगर ये फीमेल लोगों को गाइड करेंगी, ठीक है, अच्छा बुद्ध, तो ये कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा, शांत होगा, ठीक है। और इस समय जो टाइम चल रहा है, ठीक है, शी कैन थिंक ऑफ सम प्रोफेशन, बट यस, वेक्स को रोकने के लिए मून और केतु को यूटिलाइज करना होगा। इफ शी कुड गेट सम प्रोफेशन विच रिक्वायर सम ट्रेवलिंग, हेलो, क्योंकि जो विच मून रिक्वायर्स ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ट्रैवलिंग ओके okay. तब भी प्रोफेशन चल जाएगा, बट और वैसा फिर जॉब, आईटी में अभी बट वैसा आईटी जॉब, के अंदर बट वैसा जॉब, वैसा जॉब करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, वो और चीजें भी आ जाती है, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली यस अभी ठीक है। आईटी में कोई सोचे तो फिर पॉसिबल लगता है ये कुंडली में जॉब करना आईटी में शी कैन डू, बट उसके लिए थोड़े सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, ठीक है, विच वी कैन डिस्कस टुमारो, ठीक है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, यस स्लोली स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखिए, एक ही चार्ट में हमने यस कितनी चीजें देख ली, ठीक है। यस आईटी के लिए हमें सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म का प्लैनेट है सैटर्न, ठीक है, हमने उसको भी देख लिया, हमने राहु को भी देख लिया, हमने दशा भी सिस्टम समझ लिया, हमें कहाँ किसके अराउंड स्टिक होना है, सैटर्न, मून, क्योंकि उसकी दशा चल रही है, ठीक है, और कर्म क्षेत्र के आसपास। अब इनको हम नौमास में भी देखना चाहिए हमें,
ठीक है, हो सकता है नवांश में इनकी पोजीशन ठीक ना हो, नंबर वन, ठीक है, और दूसरा इनके नक्षत्र लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा सामने सामने देख लो, चंद्र जो है मूल नक्षत्र में है बॉस, चंद्र जो है मूल नक्षत्र में है, इनफैक्ट चंद्र, शुक्र और शनि तीनों मूल नक्षत्र में। अब मैं आपको सलाह दूंगा, आप थोड़ा मूल नक्षत्र की स्टडी करो, क्योंकि जब तीन प्लैनेट मूल में आ गए, जिसमें शनि जो कि है कर्म कारक और चंद्र जो है वो दशानाथ, तो वो तो उसका इफेक्ट देगा ही। मूल नक्षत्र क्या है, मैंने आपको बताया था क्या होता है। दो विरुद्ध चीजों का साथ में आता है यस, जब ये अग्नि तत्व है, ठीक है, वो। ये अग्नि हाँ तत्व है और ये जल। जल तत्व है, दोनों का मिलन जब होता है, अब वहां पे जब प्लैनेट पड़ते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो मूल नक्षत्र के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, मुझे लगता है इनका मूल नक्षत्र का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है और दशानाथ है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ मन अशांत होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस मतलब घर में सब कुछ होते हुए भी पीस ऑफ माइंड नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, राइट, ओके, अपना टाइम खत्म हो गया, बट ये एक अच्छी चीज में देखो, अभी सिर्फ हमने सिर्फ चार्ट देखा, अब जब आगे आगे देखते जाएंगे ना तब प्रॉब्लम और मिलेंगे, फिर अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नोटिफाई करेंगे और फिर उनका एक एक करके सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, अब देखेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है, सिर्फ उसका सॉल्यूशन करना है जो रियल में अफेक्ट कर रही है। दिस इज अ वे ऑफ अ चार्टिंग टेक्निक एंड यू नो इट टेक्स अ ह्यूज टाइम, यस सिर्फ देखिए 45 मिनट्स हम केवल लग्न देख रहे, सो यू कैन इमेजिन, एंड देयर आर 32 टाइप्स ऑफ डिफरेंट चार्ट्स फॉर डिटेलिंग।